छापा मारी करेंगे दुकान पर। अरे की मामला रहे जो अलग बाजार में आप पूछिए क्या रेट, 20 से 25 बिक रहा है। आप एक बार उसको भी देखिए, 6 रुपये क्विंटल। काली मंदिर के यहाँ 5000 रुपया लिया है। क्या चीज का लिया? गाड़ी का। गाड़ी में क्या आ रहा था? सब्जी। कितना सब्जी था? वही 2.5 टन था। कौन सी सब्जी था? साग था, मूड़े था, बंधा था, अदरक था। कहाँ से? सब सब्जी गुलाबबाग। पूर्णिया से? पूर्णिया। पूर्णिया से मधेपुरा तक में कहीं नहीं रोका? ना कहीं नहीं। वही टोली। कहाँ पे? वही पड़ी क्या, जिलेबी मोड़ने है उसके जस्ट बगल में, वही पड़ी अपना मधेपुरे में काली स्थान जो है। हाँ कालीपुर। क्या बोला रोका? तो क्या बोला? रोका की गाड़ी साइड में लगाओ, 5000 रुपया दो, उसके बाद बढ़ेगा गाड़ी। कौन था वो? वो तो नाम नहीं जान रहे थे भैया, कौन था नहीं था। अधिकारी था, पुलिस था, कौन था? प्रशासन था, पुलिस था। हाँ। आज क्या बजे लिया? करीब 7 बजे लिया। 7 बजे सुबह में? क्या बोल के लिया? बोला होगा ना कुछ? कुछ नहीं, तो हम मेरा मन है, मेरा हर चीज है, हम जो कहेंगे वो सुनेगा। कुछ बोला? कुछ नहीं, बंद है। हाँ गाड़ी साइड लगाओ, गाड़ी बंद है, कुछ नहीं और बात मगी, कुछ नहीं बोला। पैसा दो जाओ, 5000 रुपया। हाँ बस। चलान दिया? कुछ दिया? चलान आ रहा है ना? आ रहा है। कहाँ से? गाड़ी आएगा तो तब दिखा देंगे चलान। कितना का चलान दिया? 5000। जो रेट हम लोग रेट लगा दिए अभी तो जैसे मान के चलिए हुआ है, 1-2 रुपया तेज हुआ है मानते हैं। इससे पहले 1200 रुपया बिक रहा था, 1300 रुपया बिक रहा था। अचानक जो है ये जो कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू का एक कारण क्या है कि लेबर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, उस कारण से जो है खेतों से आलू जो है मंडी में भी आ नहीं रहा। तो उस कारण से क्या क्या है कि मैंने मार्केट थोड़ा सा 2-4 रुपया तेज हुआ है। आप लोगों की गाड़ी भी पकड़ने की शिकायत आ रही है? हम लोग का गाड़ी जो है अभी एक कल चला था पटना से प्याज लेकर के, और सहरसा के जो है सदर थाना जो है परवारी जो हमारे गाड़ी को पकड़ लिए, वो हमसे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा, मतलब दुकान का लाइसेंस वाइसेंस सब कुछ उसको भेज दिए, आधार कार्ड भेज दिए, फिर भी बोलता है कि यहाँ थाना पे आइए। तो बताइए हम कैसे थाना जाएंगे, वहाँ सहरसा थाना कैसे जाएंगे? क्या नाम हुआ आपका? जी अमोल कुमार साहब, विष्णु ट्रेडर। शिकायतें प्राप्त हुई थी जिला प्रशासन के द्वारा, जो है जो मुख्य मार्केट है वहाँ पर प्राइस चेक करने के लिए मजिस्ट्रेट का नियुक्ति किया गया है। मधेपुरा में भी वेट एंड मेजरमेंट प्राधिकारी हैं, वो देख रहे हैं, और अन्य जगह पर वहाँ के MO देख रहे हैं। इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई थी, हम लोगों ने उनके यहाँ आकर के पूछताछ किया है और ये कह दिया है कि आप जो है अपने दुकान के सामने जो भी सामान बेच रहे हैं उसका एक डिस्प्ले लिस्ट डाल दीजिए, सामान का नाम और प्राइस, जिससे लोगों को ये पता चल सके कि हाँ इस रेट पर यहाँ पर बिक रहा। और दुकानदार को भी हम लोगों ने समझा दिया है कि किसी तरह के आप ब्लैक मार्केटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इस समय जनता की सेवा करने का समय है और सभी लोग जो है मिलजुल कर करके जो भी आपूर्ति करना है वो करें और सही दाम पर करें। अभी तक क्या कुछ ऐसा कोई मामला मिला है सर? नहीं ऐसा कुछ नहीं मिला है। सब्जी मंडी में भी हम लोग गए थे, जो हमारे यहाँ जो मधेपुरा जिले में जो है जो गैस एजेंसी है, दुकान जो किराना दुकान का होलसेल सप्लायर है, उन सभी से हम लोगों ने यही निर्देश दिया है
और सभी लोगों ने जो है आश्वासन दिया कि हम लोग जो सरकार का निर्देश है जो हमारा पहले से चल रहा था उसी तरह से हम लोग संज्ञान में नहीं आया है। अगर इस तरह का मामला आएगा तो उनके विरुद्ध विधि पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन है पूरे जिला में, सर क्या पहल की जा रही है लॉकडाउन की सफलता के लिए? लॉकडाउन के लिए जो है मधेपुरा की जनता बहुत जागरूक है और जनता का शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी पूरा सहयोग मिल रहा है। स्वतः लोगों ने अपने को घर में बंद रखना शुरू कर दिया है और बहुत आवश्यक कार्य के लिए ही लोग जो है निकल रहे हैं। आप लोग स्वयं देखे होंगे कि 3 दिन पहले जो स्थिति थी बिल्कुल स्थिति बदली हुई है और जगह जगह पर पुलिस और दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है और वे लोग जो है तत्परता पूर्वक इसको सफल बनाने में और इस कोरोना महामारी को खत्म करने में लगे हुए हैं।